हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिनोटेक्स केमिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो ये इसके ऊपर मैंने जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा था अप्रैल में तब बनाया था और नवंबर में भी बनाया था। तो ये अपने लोअर लेवल से ये स्टॉक ऑलरेडी 300% का मूव दिखा चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। नाउ अभी देखिए, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा मूव आने के बाद बहुत सारा वोलेटिलिटी करेक्शन कंसोलिडेशन आ सकता है ज़रूर, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वोलेटिलिटी और करेक्शन किस तरीके से है और क्या हो सकता है। वहाँ पे मैं यहाँ पे लेवल्स आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम होराइजन बड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ जिस तरीके का ट्रेंड है, हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे करेक्शन या कंसोलिडेशन हो सकता है, तो उसके लिए आप देखिए ये अभी शेयर कहाँ पे है, शेयर है 51 पे है, तो आपका इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे आता है, 45 रुपये। ये अगर टूट जाता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट आएगा 35 रुपये पे, तो और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आता है यहाँ पे 18 रुपये पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 18 रुपये तक जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे करेक्शन कंसोलिडेशन हो सकता है, और तब आपको पता रहना चाहिए कि आपके बड़े सपोर्ट या इमीडिएट सपोर्ट या स्टॉप लॉस कहाँ है। या तो आपने ले लिया है तो भी आपको ध्यान रखना है, नहीं लिया है तो बेटर है कि आप एक सपोर्ट लेवल के आने का वेट करें, और नहीं तो आप अगर खरीदना ही चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में क्योंकि ये अपने नीचे ट्रेंड से ऊपर जा रहा है, तो अगर हम बड़ा ट्रेंड देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरीके के मोमेंटम दिख सकते हैं। जो बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं उनके लिए जाहिर सी बात है टारगेट्स भी बड़े होंगे, तो अगर आपकी लंबी अवधि है और अगर ये 45 के ऊपर टिकता है तो अगला टारगेट आपको 93 से यहाँ पे देखिए 108 तक ले जा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा बड़ा टारगेट। फिलहाल मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, वो इसलिए क्योंकि 93 से 108 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और उसके बाद ही जब ये 108-110 के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट होगा, सस्टेन होगा, तभी कोई नया ट्रेंड शुरू होगा। तो इसलिए हमारा बड़ा टारगेट फिलहाल यहीं तक है। इसके बाद जब मूव होगा हम फिर से चार्ट को रीएनालाइज करेंगे और देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके का है। लेकिन जिस तरीके का प्राइस परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे और जिस तरीके का ये ट्रेंड है, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन में है, बहुत अच्छे चांसेस है कि अपने हायर एंड ऑफ द रेंज की तरफ जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होता है हम फिर से रीएनालाइज करेंगे चार्ट को। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।